बनारस के बाद अब बलरामपुर से एक और गैंगरेप का मामला सामने आया है। आखिर कब तक बेटियों को डर के साए में जीना होगा? इन अपराधियों को संगीन जुर्म करने के बाद भी आखिर कब तक पनाह दिया जाएगा? हमारे देश का संविधान क्यों इन बेटियों को इंसाफ दिलाने में समय लगाता है? अब ऐसी और कितनी निर्भया को देखना होगा इस देश को? आए दिन नए नए रेप केस सामने आते हैं, कभी हैदराबाद की बेटी प्रियंका रेड्डी तो कभी आशिफा या दिव्या जैसे केस। यह मुद्दा जातिवाद का नहीं है, यह बात हमारे देश के आन बान और शान की है। जिस तरह से प्रियंका रेड्डी के केस में पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया था, ऐसे ही और पुलिस इंस्पेक्टर्स की जरूरत है हमारे देश को, ना कि निर्भया केस की तरह 8 सालों तक केस को लटकाने वालों की। इस देश की बेटियां न्याय चाहती हैं। क्या इस देश की बेटियों को इतना अधिकार नहीं है कि वह अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिए? यूपी के हाथरस में एक दलित युवती के साथ जिस तरह की हैवानियत हुई, उस सदमे से अभी लोग उभरे भी नहीं थे कि इसी राज्य के बलरामपुर से एक और 22 वर्षीय दलित छात्रा के साथ गैंगरेप और हैवानियत की खबर ने सभी को हिला करके रख दिया है। इसके बाद पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो चुका है। दोनों आरोपी लड़कों ने उस दलित युवती को दोस्ती के बहाने बुलाया और फिर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। इस शर्मनाक घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपियों ने लड़की को गंभीर हाल में रिक्शे पर बिठाकर उसके घर भेज दिया, जिसके बाद उस युवती की मौत हो गई। पुलिस ने गैंगरेप के दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। खबरों के मुताबिक गैंगरेप की यह घटना बलरामपुर के गैसड़ी कोतवाली क्षेत्र की है। दलित युवती के परिजनों का आरोप है कि छात्रा 29 सितंबर की सुबह करीब 10 बजे बीकॉम में एडमिशन कराने घर से निकली थी, लेकिन घर नहीं लौटी। शाम को करीब 5 बजे उसकी खोजबीन की गई। इसके बाद शाम करीब 5 बजे पीड़ित युवती एक रिक्शे से बुरी तरह से घायल अवस्था में घर पहुंची। इसके बाद शाम करीब 7 बजे पीड़ित युवती एक रिक्शे से बुरी तरह से घायल अवस्था में घर पहुंची। उसकी ये हालत देख घर के लोगों ने पूछताछ करने की कोशिश की तो वह दर्द से तड़पने लगी। पीड़िता की मां का आरोप है कि उसकी बेटी को इंजेक्शन लगाकर हैवानियत की वारदात को अंजाम देने के बाद कमर और दोनों टांगों को तोड़कर रिक्शे पर बैठाकर भेज दिया गया, जिसके बाद वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। हालांकि बलरामपुर पुलिस ने इन आरोपों से इनकार किया है।